कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों के बीच सियासत की देग विपक्ष ने चढ़ा दी। क्या कांग्रेस, क्या कम्युनिस्ट और क्या अरविंद केजरीवाल, सब अपने अपने दांव लगा रहे हैं। अपने अपने नेता, अपने अपने किसानों और अपनी अपनी मांगे। विपक्षी पार्टियों के इस खेल पर पीएम मोदी ने बड़ी चोट की है। पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली के पास किसानों को डराया जा रहा है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, जमीन पर कब्जे का भ्रम फैलाया जा रहा है, कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रख कर चला रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विरोध करने वाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का हित ही मेरा एजेंडा है। आज भ्रमित करने वाले कल कानून के समर्थन में थे। पीएम मोदी ने कहा कि भरोसा है कि विपक्ष की साजिश को पराजित करेंगे। किसानों के लिए सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। कृषि सुधार की मांग बरसों से हो रही थी। देश के हर कोने में किसानों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम ने कहा, देश पूछ रहा है कि अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे किसानों को फसल बेचने की आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। कृषि सुधारों की मांग वर्षों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन पहले भी ये मांग करते रहे कि अनाज को कहीं भी बेचे जाने का विकल्प दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपने समय में इन सुधारों का समर्थन करते रहे हैं। वो किसानों को बस झूठे दिलासे देते रहे। जब देश ने ये कदम उठा लिया तो वो अब किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोई आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या भैंस लेकर चला जाता है? जैसी आजादी पशुपालकों को मिल रही है, वैसी ही आजादी हम किसानों को भी दे रहे हैं। कई वर्ष से किसान संगठन इसकी मांग करते थे। विपक्ष आज किसानों को गुमराह कर रहा है, लेकिन अपनी सरकार के वक्त ऐसी ही बातें करता था। पीएम ने कहा कि यही लोग इस कानून की मांग कर रहे थे, आज विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया, किसानों की आय बढ़े, समस्याएं कम हों, इस ईमानदार नियम, ईमानदार प्रयास को देश के हर कोने के किसान आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद की ताकत भ्रम फैलाने वालों, राजनीति करने वालों, किसानों के कंधे पर बंदूक रखने वालों को देश के किसान परास्त करके रहेंगे। पीएम ने कहा कि मैं अपने किसान भाइयों से फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, उनकी हर समस्या के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।